बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। आप सभी क्षेत्रवासियों को कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव की ओर से दीपावली धनतेरस एवं भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समृद्धि ही हमारी कामना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बहरोड पुलिस ने बहरोड कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान बहरोड डीएसपी राव आनंद एवं थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान कस्बे के आम रास्तों पर वाहन पार्किंग एवं अवैध अतिक्रमण कर रहे लोगों को भी रास्ता खाली करने की बात कही। वहीं डीएसपी राव आनंद ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के वक्त अपने आसपास किसी भी तरह की गतिविधियों को अनदेखा न करें। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि हम सब मिलकर दीपावली का त्योहार हंसी खुशी मना सकें। साथ ही तमाम व्यापारियों एवं आमजन को भयमुक्त होकर दीपोत्सव मनाने का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ आमजन से अपील? ये दीपावली और त्यौहारों के मद्देनज़र शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा पुलिस द्वारा। आमजन से अपील है कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, और ये जो गाड़ियां जो मेन रास्ते पे पार्क कर रहे हैं, इससे भीड़ भाड़ और आने जाने में असुविधा महसूस हो रही, उसको थोड़ा ध्यान रखें। आप सभी क्षेत्रवासियों को भाजपा युवा नेता मोहित यादव की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां भर दे, हम कामना करते हैं आपकी समृद्धि और कुशलता की। आप सभी क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच एवं हिंदुस्तानी गौरव अवार्डी राजकुमार पहलवान की ओर से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहरोड कस्बे के नारनोल रोड पर स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में डॉक्टर शानू राजकुमार यादव ने दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं डॉक्टर शानू यादव का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। साथ ही गाँव से आए लोगों ने डॉक्टर शानू का चुनरी एवं पुष्प भेंट कर स्वागत किया। वहीं डॉक्टर शानू ने तमाम आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉक्टर शानू यादव ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार का आमजन की तरफ कोई ध्यान नहीं। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय मीर, भाजपा नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका ओम यादव, विक्रम यादव, महेंद्र यादव, करमवीर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जैसे कि मैंने अपने भाषण में भी कहा है, पिछले 4 साल की 4 उपलब्धियां मैंने बताई हैं। रोड की हालत आप लोगों को पता है, अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीतिक द्वेष, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं का जो अपमान होता है, ये सारी उपलब्धियां सरकार की रही हैं 4 सालों में। और मुझे लगता है अगले 1 साल में और इससे अनगिनत उपलब्धियां हमें देंगी ये सरकार। बीजेपी के लिए आप तैयारी कर रही है, बीजेपी आपको टिकट? सबसे पहला जो मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि मैं इस क्षेत्र की वासी हूँ, लोकल हूँ यहाँ की। पिछले 8 से 10 साल से यहाँ के लोगों के सुख दुख में उनके साथ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पूरे मन तन से उनके साथ में लगी हुई हूँ, पूरे काम कर रही हूँ, जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे दे रही है उसको निभा रही हूँ। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, और आज के प्रोग्राम में आपने भी देख लिया होगा कि जनता किसको चाहती है, अच्छे लोगों को, अच्छी पार्टी को लेके आना चाहती है। अब ये उनके विचार हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपके बेटे को टिकट दी, वो अलग बात है कि जनता ने उनको नहीं आगे बढ़ाया तो वो जनता की अपनी वो थी कि हमारे लिए पार्टी आगे है और हम उसके बाद में हैं। पार्टी के निर्णय को हम, फैसले को हम सब सम्मान करते हैं। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी ये उनके विचार हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप सभी क्षेत्रवासियों को पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई महेंद्र यादव की ओर से धनतेरस, दीपावली एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। निवेदक समस्त विधानसभा क्षेत्र बहरूर, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। आप सभी क्षेत्रवासियों को युवा नेता नरेश यादव की ओर से धनतेरस दीपावली में भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सहयोग से बदलाव हम लाएंगे, नया बहरोड बनाएंगे। संकल्प जनसेवा का, जरूरत आपके आशीर्वाद की। आपका अपना लाडला नरेश यादव। बहरोड कस्बे में धनतेरस के त्योहार पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। कस्बे में लोगों की आवाजाही से रास्तों में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं तमाम व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजाकर दीपावली के पावन त्योहार को मना रहे हैं। इस दौरान धनतेरस पर गाड़ियों की भी काफी संख्या में बिक्री हुई। वहीं बर्तन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री में भी काफी इजाफा हुआ। कस्टमर को बहुत अच्छी ऑफर दी जा रही है हमारे पास में। पहली बात तो हम CST के अथराइज डीलर हैं बहरोड के अंदर, जयपुर के बाद में पहले अथराइज डीलर बहरोड के अंदर हैं हम। LG का पूरा सामान CST के थ्रू आपको देते हैं और बम्पर सेल हो रही है हमारी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ऑनलाइन का इतना असर होने के बाद भी हमने बहुत अच्छा सेल किया है और कस्टमर सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं, अपने ऑफर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो धनतेरस दीपावली जोरदार भैया दूज की सभी क्षेत्रवासियों को एक तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे क्षेत्र में मन सहन शांति बनी रहे। हम कस्टमर्स को एक चांदी का सिक्का 1500 रुपये कैशबैक और 1100 रुपये फाइनेंस में डाउन पेमेंट लेके गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। और भी काफ़ी तरह तरह के ऑफर्स हैं कस्टमर्स के लिए और कस्टमर बढ़ चढ़ कर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट हैं लोग। और काफ़ी गाड़ियाँ जा चुकी हैं अभी और अभी 4 बजे बाद और मुहूर्त है। इस बार दिवाली मनाएं वोल्टास टाटा प्रोडक्ट के साथ। बहरोड कस्बे का एकमात्र विशालतम शोरूम जहां वोल्टास टाटा प्रोडक्ट के हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर पाएं बड़ी बचत। ऑनलाइन खरीद रेट से भी करीब 2000 रुपए के डिस्काउंट पर मिलेंगे हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चाहे वो डीप फ्रीजर हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो या फिर RO वाटर व AC। साथ में पाए 1500 रुपए तक के उपहार और 15% कैशबैक। आज ही संपर्क करें बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बहरोड, उचित रेट, दमदार प्रोडक्ट। जय गुरुदेव आचार के साथ मनाएं दीपावली का पावन त्योहार। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली धनतेरस एवं भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहां पर हर प्रकार के बेहतरीन आचार उपलब्ध, वो भी शुद्धता और स्वच्छता के साथ। निवेदक मंगतुराम प्रजापत नांगलिया वाले। बहरोड कस्बे में कांग्रेस नेता डॉक्टर RC यादव ने कस्बे के व्यापारियों से मिलकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बहरोड मेन बाजार में व्यापारियों ने भी डॉक्टर यादव को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर RC यादव के साथ दर्जन भर से भी अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा व्यापारी वर्ग है और जो भी कस्बे के लोग बाग हैं उनसे मिलेंगे, दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और भगवान गणेश जी से एवं लक्ष्मी जी से, दोनों से यही उनसे शुभाशीष लेंगे कि भी क्षेत्र में शांति रहे, क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल कम हो। आप सभी क्षेत्रवासियों को संजय यादव जिला पार्षद प्रतिनिधि एवं सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान की ओर से धनतेरस दीपावली एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नेता नहीं बेटा, आपकी कुशलता एवं समृद्धि की कामना। निवेदक समस्त विधानसभा क्षेत्रवासी बहरोड। होटल हाईवे एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आया है खुशियों की बरसात। दीपोत्सव के इस त्योहार को होटल हाईवे एक्सप्रेस के साथ मनाएं, जहां लाजवाब खाना एवं खरीदारी में बड़े ऑफरों का फायदा उठाएं, जो न आपने कभी सुने होंगे न देखे होंगे। साथ ही रिंग सेरेमनी, जन्मदिन पार्टी, शादी की वर्षगांठ, कंपनी कॉन्फ्रेंस एवं राजनीतिक बैठकें सहित कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉल व लोन पार्किंग, क्षेत्र का एकमात्र स्वयं का होटल, होटल हाईवे एक्सप्रेस। बड़ा त्योहार, बड़ी खुशियां।
अलवर माधोगढ़ में एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें ग्राम पंचायत माधोगढ़ में सेंसन हुई पशु चिकित्सालय को ग्राम पंचायत कार्यालय पर बनवाने को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। वहीं समस्त ग्रामवासियों ने ग्राम माधोगढ़ में ही पशु चिकित्सालय बनवाने के लिए प्रस्ताव रखा, साथ ही आसपास के गाँव वालों ने भी इनका समर्थन किया। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी अपनी मनमर्जी और राजनीतिक रसूख से ग्राम इंदोक में बनवाना चाहता है और माधोगढ़ कुशलगढ़ व अन्य गांवों में विगत 2 सालों से नरेगा में अन्य योजनाओं का कोई कार्य नहीं हुआ है। अलवर से दीक्षित कुमार की रिपोर्ट। 13 के दिन आज हमारे सब युवा साथी, ग्राम पंचायत के समस्त नागरिक एक मोटी समस्या को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर एक पशु चिकित्सालय सैंक्शन हुआ था, उसको सरपंच अपनी मनमानी तरीके से और उसको अपने गांव में ले जाकर के बनवा रहा है, इसलिए जाकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपके शहर बहरोड में खुल गया है LG शोरूम CST कैंटीन की अधिकृत विक्रेता, जहाँ पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको मिलेंगे CST रेट पर। तो आज ही अपने खुशियों के त्योहार पर घर की शान बढ़ाइए और मार्केट से भी कम रेट पर पाइए आकर्षक आइटम, साथ ही पाएं 20% कैशबैक वे भी आकर्षक उपहार के साथ। अनमोल टावर CST कैंटीन के पास सलवर रोड बहरू। अब सभी क्षेत्रवासियों को नगरपालिका उपाध्यक्ष विक्रम यादव की ओर से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक समस्त नगरपालिका मंडल एवं कस्बेवासी बहरू। बात करेंगे लक्ष्मणगढ़ की, जहां लक्ष्मणगढ़ गांव में खुदाई के अंदर मिली जैन समाज के देवताओं की 2 प्रतिमाओं को संग्रहालय में रखवाया गया। ये प्रतिमा 11वीं 12वीं शताब्दी की है और जैन समाज श्वेतांबर समाज की प्रतिमा है। इस प्रतिमाओं का अवलोकन करने के लिए आज जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी संग्रहालय पहुंचे, जहां संग्रहालय में इन्होंने इन प्रतिमाओं का अवलोकन किया। इस दौरान संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव सहित संग्रहालय देखने आने वाले पर्यटन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इन प्रतिमाओं अपनी आंखों से निहारा। वहीं संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ खुदाई के अंदर जैन समाज के देवताओं की प्रतिमा मिली थी। जय श्री सालासर इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पता जागवास रोड बहरो। आप सभी क्षेत्रवासियों को श्री श्याम सरस एजेंसी मेन चौराहा बहरोड की ओर से धनतेरस, दीपावली एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। निवेदक सतपाल यादव, भूप सिंह यादव एवं श्रीमती बाला देवी उप सरपंच ग्राम पंचायत रिवाली। हमारे यहां पर शादी एवं पार्टियों के भी ऑर्डर बुक किए जाते हैं। अलवर में एक सरकारी अध्यापक का बेटा नशे की लत के चलते साइकिल चोर बन गया। पुलिस ने उसे साइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अरावली विहार थाना पुलिस अंतर्गत बनिया का बाग में दीपक खंडेलवाल के मकान से 2 दिन पहले एक साइकिल और हेलमेट चोरी हो गया था। घर में लगे CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। इस मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने DST टीम का गठन किया। उसके बाद आरोपी गर्वित गुप्ता पुत्र कैलाश चंद गुप्ता निवासी कालाकुआ को आज गिरफ्तार कर लिया है। सभी क्षेत्रवासियों को युवा उद्योगपति जितेंद्र यादव की ओर से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कृष्ण यादव, उद्योगपति उटोली बहरो। आप सभी क्षेत्रवासियों को सरोज देवी सरपंच ग्राम पंचायत खोरी की ओर से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कंवर सिंह यादव, निदेशक महाराजा कॉलेज भगवाड़ी। आप सभी क्षेत्रवासियों को बचपन किड्स प्ले स्कूल की ओर से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संदीप यादव, आपके नन्हे लाडलों का उज्जवल भविष्य बचपन प्ले स्कूल के साथ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सभी क्षेत्रवासियों को भाजपा बड़ोद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा की तरफ से दीपावली, धनतेरस एवं भैयादूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समृद्धि ही हमारी कामना है। निवेदक समस्त भाजपा मंडल बरडोद। आप सभी क्षेत्रवासियों को धर्मेंद्र यादव की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक यादव टूर एंड ट्रेवल्स नियर महंत बालकनाथ कार्यालय बहरो। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।